चंडीगढ़ पटियाला को जा रहा रूट है, उधर आगे बढ़ेंगे, उनको जथा बनाकर सवाल करने के लिए जाएंगे। चारों बॉर्डरों के ऊपर लाखों का इकट्ठ हुआ, इसके लिए सारी जनता का धन्यवाद करते हैं। सरहंद रोड जो है वहां से भी किसान पटियाला की ओर बड़ा जथा बनाकर जाएंगे। मैं सरवण सिंह पंदेर, दोनों फोरमों की ओर से ऐलान हुआ है कि आज हम लोग प्रधानमंत्री जी पटियाला में आएंगे शंभू मोर्चे से 11 बजे। जो चंडीगढ़ पटियाला को जा रहा रूट है, उधर आगे बढ़ेंगे, उनको जथा बनाकर सवाल करने के लिए जाएंगे। दूसरा, सरहंद रोड जो है वहां से भी किसान पटियाला की ओर बड़ा जथा बनाकर जाएंगे। तीसरा, जो संगरूर से आता हुआ रोड है वहां पर से भी किसान पटियाला की ओर सवाल करने के लिए बढ़ेंगे। और चौथा, जो खनौरी बॉर्डर है वहां से भी किसान बड़ा जथा पटियाला की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी को सवाल करने के लिए आगे बढ़ेगा। ये कार्यक्रम है, हम लोग शंभू मोर्चे पे 11 बजे इकट्ठे होके आगे जाएंगे। दूसरा, जो कल चारों बॉर्डरों के ऊपर लाखों का इकट्ठ हुआ, इसके लिए सारी जनता का धन्यवाद करते हैं। और कल ही अमृतसर की ओर जाती हुई एक बस, जो दोनों मोर्चों ने कार्यक्रम किया था, एक किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की बस थी जो रैया अमृतसर के नजदीक है, उधर जाके पलट गई है। उनमें से 32 जख्मी हुए हैं, 9 गंभीर रूप पर जख्मी हुए हैं, 3 आदमियों के शरीर के अंग बाजू काटने पड़े हैं। दोनों मोर्चे मांग कर रहे हैं कि उनका संपूर्ण इलाज केंद्र अथवा पंजाब सरकार करवाए, और जो गंभीर जख्मी हैं उनका 3 लाख, और जो साधारण जख्मी हैं उनको 1 लाख की मदद मिलनी चाहिए। और आने वाले समय में जलंधर या गुरदासपुर पठानकोट में जब 24 का कार्यक्रम होगा माननीय प्रधानमंत्री का, वहां पर भी हम इस तरह से सवाल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और हम आज चाहेंगे कि जो पूरी दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो आज उनका फर्ज बनता है कि देश के 80 करोड़ किसान अथवा खेत मजदूरों को जवाब जरूर दें, जो हम सवाल करेंगे कि हमें दिल्ली जाके प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया। और जो नेशनल हाईवे है, चाहे शंभू है, खनौरी है, डबवाली है, रतनपुरा, वहां पर दीवारें सड़कों पर बनाकर हमें क्यों रोका गया, और जिस तरह से हमारे ऊपर जबर किया गया, यहां रबड़ की गोलियां, बुलेट, एसएलआर की चली, 12 बोर की चली, हंजू गैस जिस तरह से ड्रोनों से हमारे ऊपर चलाए गए, उनका जवाब पर शहीद शुभकर्ण जी को क्यों शहीद किया गया, लखीमपुर खीरी का इंसाफ क्यों नहीं मिला, उनको टिकट क्यों दी गई। इसी के साथ साथ एमएसपी लीगल गारंटी कानून, भारत नरेगा, भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर आए, नरेगा का 200 दिन का रोजगार, 700 रुपया दिहाड़ी, और किसान मजदूर का कर्ज खत्म करने की मांगों के ऊपर हम सवाल करेंगे। ये हमारा आज का कार्यक्रम होगा। धन्यवाद।